और टीम को ज़रूरत थी, और जिस तरह अर्ली ऑन हमारे दो आउट हो गए थे वहाँ पे हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, और जिस तरह मेरी और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप लगी है और तिल हम खेल रहे हैं, तो हमारी यही बात हो रही थी इसको जितना लंबा लेके जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और जिस तरह अब्दुल्ला ने अपना पेशेंस दिखाया और बड़ी क्वालिटी इनिंग खेली, इतना आसान नहीं था, और इतनी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट इजी रन्स नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होता है, और जिस तरह उसने पेशेंस दिखाया आउटस्टैंडिंग था। आप कोशिश करते हैं कि आप पूरी टीम को बैक करें, और स्पेशली जिस तरह भी वो उस प्लेयर को बैक करना चाहिए जो नीचे गिरा, और मेरे ख्याल से माशाल्लाह अच्छी तरह टीम परफॉर्मेंस कर रही है, अप एंड डाउन होते रहते हैं लेकिन टीम जल है और इकट्ठे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी अच्छा एक माहौल बनता है। और जिस तरह अब्दुल्ला ने आउटस्टैंडिंग फिर वो इनिंग खेली है, बिल्कुल खुशी होती है कि आप एक यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है इतनी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट, तो खुशी होती है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ मैं कि मजीद ही ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेज देगा पाकिस्तान के लिए, और कल के मैच में भी यही है कि कंटिन्यू करें इस चीज़ को। क्राउड हमेशा कराची का काफ़ी अच्छा होता है और सपोर्ट करता है, इवन के जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट खेलूँ, इवन PSL में जो कराची किंग्स से खेलता हूँ तो बड़ा प्यार देते हैं, और पाकिस्तान से मेरे ख्याल से हर प्लेयर को प्यार मिलता है, तो मेरे ख्याल से आप सबकी प्यार का बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही बैक करते रहें अपनी टीम को।